आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक रचना पहलवान की ढोलक, कथा श्रुति की आवाज में। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्थ शिशु की तरह थरथर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करोड़ सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिखलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और क्या करने की आवाज, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, चट्टधा घिरधा चट्टधा घिरधा, यानी आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वो कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बाहर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से परिचित अवश्य थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्र दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्याम नगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्याम नगर मेले में आया था। सुंदर जवान अंग प्रयंग में सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्ठों को पछाड़ कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त किया था। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्याम नगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात ही कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बांज की तरह उस पर टूट पड़ा। शाम दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मराए मरा, पर वाहरे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहा, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया।
देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुक्म, वह हाथ जोड़कर गिर गिराता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जयामत क्रोध से पागल होकर लुटन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुटन के पक्ष चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजा बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है, चट्टधा गिड़धा चट्टधा गिड़धा। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक धिना ढाक धिना ढाक धिना, अर्थात वह पट्टे वह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं शेर का बच्चा बच्चू। चट्ट गिरधा चट्ट गिरधा चट्ट गिरधा, यानी मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहुनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित करने लगा। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसके ताल पर वो अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई दी, धाक धिना तिरकट तिना धाक धिना तिरकट तिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई दे रहा था, ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपककर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक जटधा चटाक जटधा, उठा पटक दे उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर पटक दे मारा। धिक धिना अर्थात चित्त करो चित्त करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा। धा घिड़ घिड़ धा घिड़ घिड़ धा घिड़ घिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी थी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलता अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामचंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से सारा आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे हे अरे, किंतु राजा साहब ने उसे स्वयं छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंख पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का दुसाद सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघा कर दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यो ही लंगोट लगाकर या अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़ियाघर में पिंजड़े
और जंजीरों को झकोल कर बाघ दहाड़ता, हाँ हूँ हाँ हूँ, सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, लोग समझ जाते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूचती, हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आव ढेर सेर, और बैठ जाता। दो से रसगुल्लों को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस कर ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटते समय उसकी अजीब हुलिया रहती आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घट कर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुटन को आज्ञा ही नहीं देते थे। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी दो पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सुधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता था, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे दोनों ये बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान रखना। हाँ हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतर कर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सुधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य कार्य अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय जो शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटा घात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। नए मैनेजर ने कहा, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक लेकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी, शायद सूर्य के प्रकाश में। सूर्योदय होते ही लोग कांपते, कूंकते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो गया,
वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे, कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते थे, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी माताओं में नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार ही चुनौती दे रही थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्ति ही आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी की शर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर चाल की चपेटा घात में पड़े, असह वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, चटाक चटाक चटधा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान, बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी झांगिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी, लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, डेढ़ हाथ का कलेजा है। चार पांच दिनों बाद एक रात को ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। रात में सियारों ने सुगठित बाई जांग के मांस को खा डाला है, पेट भर भी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरु जी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, वह आगे नहीं बोल सका। पास में ही ढोलक लुढ़की हुई पड़ी थी, सियारों ने ढोलक को भक्ष्य पदार्थ समझकर उसके चमड़े को फाड़ डाला था। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।